हेलो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में। अनुबंध अधिनियम की शुरुआत वर्ष 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार को बढ़ावा देना तथा व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना। तो इस प्रकार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी दखलंदाजी करती गई, जिसका परिणाम भारतीय कानूनों पर भी पड़ने लगा। तो भारतीय कानून और इंग्लैंड के कानून में अंतर होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें परेशानियां उत्पन्न होने लगी। कानून में समानता न होने के कारण व्यापार में कठिनाई होने लगी, जिसके कारण अंग्रेजों ने व्यापार के विकास के लिए एवं कानूनों में एकरूपता लाने के लिए एक अनुबंध अधिनियम का निर्माण किया। वर्ष 1861 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने सन 1866 में अपना विचार ब्रिटिश अपना रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखा। संसद ने विधेयक पारित किया और 25 अप्रैल 1872 को गवर्नर के आदेश के पश्चात अनुबंध अधिनियम 1872 लागू किया गया, जिसे 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। तो देखते हैं अनुबंध होता क्या है। अनुबंध के बारे में जानने के लिए उसकी परिभाषा देखते हैं, जो पहली परिभाषा दी गई है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करे और उनकी व्याख्या करे, ऐसा न्यायाधीशों के द्वारा कहा गया है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार एक ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। तो इसमें कहा गया है कि एक ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो। तो ठहराव होता क्या है ना, ठहराव क्या है इसको पहले जान लेते हैं। ठहराव से आशय है किसी वचन को या किसी कार्य को पूरा करने के लिए दो पक्षकारों के मध्य क्या करना, किसी बात को करने या न करने वचन रखता है ना, जिसमें एक पक्षकार प्रस्ताव करता है तथा दूसरा पक्षकार क्या करता है, उसकी स्वीकृति करता है। तो प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति दोनों मिलकर क्या होता है, ठहराव। और ठहराव का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना अनुबंध कहलाता है। तो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने से आशय कानून के द्वारा मान्य होने से है, ठीक है। अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो अनुबंध के अंतर्गत तीन बातें हैं। पहला, सबसे पहली है कि पक्षकारों के मध्य ठहराव होना है ना। तो अनुबंध होने के लिए सबसे पहले पक्षकारों के मध्य ठहराव होना चाहिए, उनके बीच प्रस्ताव तथा स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ठहराव द्वारा दायित्व का उत्पन्न होना। तो ठहराव करना मात्र ही अनुबंध के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उस ठहराव के द्वारा दायित्व का भी उत्पन्न होना आवश्यक है। दायित्व के उत्पन्न होने से आशय है कि किसी कार्य को करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति को दायित्व पूरा करना। फिर तीसरा है दायित्व का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना। तो दायित्व का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए ठहराव नहीं करना चाहिए जो कि गैर कानूनी हो, बल्कि वो कार्य कानून के द्वारा मान्य होना चाहिए, तभी वो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनी कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन बातें किसी भी अनुबंध के लिए आवश्यक है। अगर ये तीन बातें होती है तो अनुबंध माना जाता है, अनुबंध हुआ ये माना जाता है। इस प्रकार से अनुबंध होने के लिए कौन कौन से आवश्यक लक्षण होने चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अनुबंध होने के लिए आवश्यक लक्षण क्या क्या होते हैं, देखते हैं क्रम से। पहला लक्षण है इसका ठहराव है ना। ठहराव पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। तो ठहराव सबसे आवश्यक लक्षण है किसी भी अनुबंध के होने के लिए, जिसके अंतर्गत प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। फिर है दूसरा पॉइंट है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता से आशय है कि पक्षकार जो अनुबंध कर रहे हैं, दोनों पक्षकार या दो से अधिक पक्षकार, उनमें अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए वो अयोग्य घोषित ना हो, है ना। जैसे थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जो अनुबंध करने के लिए पक्षकार है वो वयस्क होने चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी कानून के द्वारा वो किसी प्रकार से अनुबंध करने के लिए अयोग्य ठहराए ना गए हो। तो इस प्रकार से पक्षकारों के लिए योग्य होना, अनुबंध करने के योग्य होना आवश्यक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है, तीसरा, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। तो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से आशय है कि जिन पक्षकारों के मध्य ठहराव हो रहा है वो उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना। उनको किसी भी प्रकार का दबाव या डरा धमका कर काम नहीं करवाना चाहिए, अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए। जैसे एक पक्षकार ने किसी को कहा कि मेरे लिए तुम क्या ये सामान मार्केट से बाजार से ला सकते हो, तो वो बोलता है हाँ ला सकता हूँ,
अगर वो हाँ बोल रहा है लाने के लिए तैयार होता है अपनी मर्जी से, है ना, कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं है, तो ये अनुबंध कहलाएगा। लेकिन अगर उसका मन नहीं है और आप उसको डरा धमका कर या लालच देकर, है ना, डराने धमकाने के साथ साथ अगर लालच देकर कि मेरे लिए ये सामान लाओगे तो मैं आपको 10 रुपया दूंगा, तो ये इस प्रकार का लालच भी नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से उसके लिए तैयार होना चाहिए, तो ये स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत आएगा। फिर चौथा पॉइंट आता है विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य। तो विधिपूर्ण नाम से स्पष्ट है, विधिपूर्ण मतलब कानून के द्वारा मान्य प्रतिफल होना चाहिए। कोई भी अनुबंध करने से उसका जो प्रतिफल प्राप्त होता है ना, प्रतिफल मतलब उस काम को पूरा करने से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वो परिणाम कानून के द्वारा मान्य होने चाहिए, है ना। गैर कानूनी कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होना चाहिए, परिणाम उसके गैर कानूनी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कोई अनुबंध करे तो उसका उद्देश्य चोरी करना नहीं होना चाहिए ना। आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि उसके यहाँ चोरी करके आ जाओ, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो यहाँ पर दोनों बातें गलत है। एक तो चोरी कराना, है ना, चोरी करने के लिए कहना, और उससे बदले में कोई पैसा दे रहे हो, तो पैसा देने की बात ठीक है, उसको लालच नहीं है, वो बदले में उसका क्या होगा, परिणाम होगा, है ना, आप उसका प्रतिफल दोगे कि उससे कोई काम करा रहे हो तो उसको प्रतिफल देंगे। तो इस प्रकार से जो अनुबंध का उद्देश्य है वो उचित होना चाहिए। फिर पांचवा आता है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किया गया हो। तो कोई भी ठहराव जो किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किया गया हो, है ना। जैसे चोरी करने का काम है वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ है, किसी को धोखा देने का काम है वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ है, या किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले ठहराव तो नहीं है ना, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसके द्वारा भी कोई कार्य करवाना, ये भी ठहराव नहीं कहलाएगा या अनुबंध नहीं बन पाएगा। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो, ये आवश्यक है। फिर अगला लक्षण है इसका छठवा, ठहराव लिखित प्रमाणित एवं पंजीकृत होना, ठीक है। यदि किसी विशेष अधिनियम द्वारा अनिवार्य हो तब पंजीकृत हो सकता है, नहीं तो ठहराव को लिखित या प्रमाणित होना आवश्यक है। तो ठहराव लिखित होना चाहिए तभी वो मान्य होगा, है ना। मौखिक रूप से अगर कोई ठहराव किया जाता है तो वो कानून के समक्ष किसी बात प्रस्तुत करने के लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है। आप किसी को कोई बात कहे हैं कि मुझे ये जमीन खरीदने, आप जमीन खरीदने के लिए उसको उससे सौदा किए, 10,000 रुपये उसको भुगतान कर दिए, बाद में वो जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कोई लिखित सबूत नहीं है, है ना, लिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका वाद प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं अनुबंध का वर्गीकरण, है ना, अनुबंधों को कितने भागों में बांटा गया या कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, सबसे पहले दिया है व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध मतलब राजनियम के द्वारा प्रवर्तनी ठहराव को अनुबंध कहते हैं। ये तो हम सबको पता है कि ऐसा ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनी हो अनुबंध कहलाता है। लेकिन अगर उसको कानून के द्वारा पहले से व्यर्थ घोषित किया गया है तो उसको व्यर्थ अनुबंध कहेंगे, ठीक है। या कोई ऐसा ठहराव जो पहले तो वैध था लेकिन उसको करने के पश्चात किसी कारणवश वो व्यर्थ हो जाता है तो उसको व्यर्थ ठहराव व्यर्थ अनुबंध कहा जाएगा। इसके अंतर्गत किसी अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के द्वारा काम करवाना, है ना, या किसी कार्य में रुकावट डालना, जैसे किसी के विवाह में, व्यापार में रुकावट डालना, या कोई विधिपूर्ण कार्यवाहियों में रुकावट डालना, है ना, न्यायालय की कार्यवाहियों में रुकावट डालना, ये सब व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है व्यर्थनीय अनुबंध। तो व्यर्थनीय अनुबंध क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं या अभी पढ़े हैं कि अनुबंध में दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं और उनकी स्वतंत्र सहमति से अनुबंध पूरा होता है। तो अगर किसी अनुबंध में कोई एक पक्षकार, है ना, अन्य पक्षकारों को छोड़कर कोई एक पक्षकार या एक से अधिक पक्षकार उस अनुबंध को करने के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं या स्वतंत्र रूप से सहमत नहीं होते हैं, मना कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध व्यर्थनीय हो जाता है। फिर तीसरा आता है अवैध अनुबंध। अवैध अनुबंध नाम से स्पष्ट है कि कानून के द्वारा जो वैध नहीं माना गया है वो अवैध अनुबंध है। तो ऐसा कोई अनुबंध करना जो कानून के द्वारा मान्य नहीं है, तो ऐसे अनुबंध को अवैध अनुबंध कहा जाएगा, ठीक है। फिर चौथा आता है वैध अनुबंध। तो वैध अनुबंध ऐसे सारे अनुबंध जो कानून के द्वारा मान्य है या कानून के द्वारा करने के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं की गई है ना, इसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसे कोई भी अनुबंध जो कानून के द्वारा मान्य है वैध अनुबंध कहलाते हैं। फिर पांचवा दिया है अप्रवर्तनीय अनुबंध। तो अप्रवर्तनीय क्या होगा, जैसे
कोई अनुबंध कानून के द्वारा या राजनियम के द्वारा प्रवर्तनी नहीं है तो वो अप्रवर्तनीय अनुबंध कहलाएंगी, भले ही वो वैध क्यों ना हो, ना? तो कोई भी अनुबंध अगर वो वैध है लेकिन कानून के द्वारा मान्य नहीं है, राजनियम उसको प्रवर्तनी नहीं करता है, तो वो अप्रवर्तनीय अनुबंध कहलाएंगे। फिर छठवा है आरंभता व्यर्थ अनुबंध। ठीक है, तो ऐसे अनुबंध जो शुरू से ही क्या है, व्यर्थ है, पहले से व्यर्थ है, ऐसे अनुबंध आरंभता व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। इसमें अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव है ना, आपको पहले से पता है कि कोई व्यक्ति अवयस्क है, मतलब वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है और उसके साथ आप कोई आवश्यक अनुबंध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आरंभ से ही व्यर्थ है, उसके लिए आप बाद में कोई भी बात प्रस्तुत नहीं कर सकते। फिर अगला दिया है प्रत्यक्ष अनुबंध। प्रत्यक्ष अनुबंध क्या होता है, तो जब अनुबंध की शर्तें प्रत्यक्ष रूप से लिखित या मौखिक शर्तों के द्वारा स्पष्ट होता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुबंध कहते हैं ना, अधिकतर अनुबंध प्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं। फिर है आठवां दिया है अप्रत्यक्ष अनुबंध। अप्रत्यक्ष अनुबंध जिसमें जब प्रस्ताव या स्वीकृति लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त न होकर व्यक्ति के कार्यों द्वारा क्या होता है, स्पष्ट होता है या दिखता है, है ना? तो जैसे कोई व्यक्ति किसी बस में जाने के लिए क्या करता है, बस को रुकवाता है, बस में बैठकर वो कहीं दूसरी जगह जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको किराया देना अनिवार्य है, है ना? तो किराया देने के लिए बस का जो कंडक्टर है वो उससे कोई प्रस्ताव नहीं करेगा और ये उसकी स्वीकृति नहीं देगा, बल्कि स्वमेव क्या हो जाएगा, वो उसको किराया दे देगा। तो इस प्रकार से इसके लिए ना कोई मौखिक अनुबंध हुआ, ठहरा हुआ, ना लिखित रूप में कोई कार्य किया गया, तो ये सीधे सीधे अप्रत्यक्ष अनुबंध के तौर पर ही किया गया, तो इसको अप्रत्यक्ष अनुबंध कहेंगे। आगे दिया है निष्पादित अनुबंध, है ना? तो निष्पादित अनुबंध क्या होता है देखते हैं। तो प्रत्येक अनुबंध में पक्षकारों को अपने दायित्वों का पालन करना होता है, है ना? तो अनुबंध में अगर दायित्वों का पालन पूरा कर दिया जाता है तो ऐसे अनुबंध को निष्पादित अनुबंध कहते हैं। निष्पादित अर्थात पूरा होना, है ना? निष्पादित शब्द का अर्थ होता है पूरा होना। तो ऐसा कोई अनुबंध जिसमें दायित्वों को पूरा कर दिया गया है, अपने कार्यों को पूरा कर दिया गया है, निष्पादन कर दिया गया है, तो उसको निष्पादित अनुबंध कहेंगे। फिर अगला आता है दसवां निष्पाद्य अनुबंध। तो निष्पादित अनुबंध का उल्टा होता है निष्पाद्य अनुबंध। ऐसा अनुबंध जिसमें पक्षकारों को अपना दायित्व की मतलब अपने दायित्वों का निष्पादन करना बाकी रहता है, निष्पादन नहीं हुआ रहता है ना, उनके द्वारा जो दायित्व उत्पन्न होते हैं उनको पूरा नहीं किया गया होता है, तो ऐसे अनुबंध को निष्पाद्य अनुबंध कहते हैं। अर्थात इनके द्वारा अभी कार्य करना शेष रहता है ना, कार्य करना बचा रहता है। निष्पादित अनुबंध, निष्पाद्य अनुबंध। उसके बाद है एक पक्षीय अनुबंध। तो एक पक्षीय अनुबंध नाम से जैसे आप लोगों को समझ आ रहा होगा, एक पक्षीय अनुबंध है ना, तो एक पक्षीय अनुबंध वो होता है जिसमें किसी एक पक्ष के द्वारा अपने कार्य को पूरा कर दिया जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक पक्षकार अपने दायित्व को पूरा करता है और दूसरा एक पक्षकार है, दूसरा पक्षकार उसको अपने दायित्वों को पूरा करना बाकी है ना, उसने अपने कार्य को दायित्वों को पूरा नहीं किया है। तो ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्ष अपना काम पूरा कर दिया है और एक पक्ष अपना काम पूरा नहीं किया, इसको एक पक्षीय अनुबंध कहेंगे। फिर उसके बाद आता है अगला द्विपक्षीय अनुबंध। तो द्विपक्षीय अनुबंध, एक पक्षीय अनुबंध में जैसे किसी एक पक्षकार को अपना कार्य करना शेष था, उसी प्रकार से द्विपक्षीय अनुबंध में अनुबंध के दोनों पक्षकारों को अपने दायित्वों का पालन करना या दायित्वों का निष्पादन करना शेष रहता है, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य अभी नहीं हुए रहते हैं, उनको वो कार्य पूरे करने होते हैं, अर्थात इसे द्विपक्षीय अनुबंध कहते हैं। द्विपक्षीय अनुबंध के बाद अगला दिया है समाश्रित अनुबंध। समाश्रित, समाश्रित शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित, है ना? तो ऐसा अनुबंध जो किसी कार्य के होने पर या किसी घटना के घटने पर क्या हो, आधारित हो, तो ऐसे अनुबंध को समाश्रित अनुबंध कहेंगे, है ना? जैसे उदाहरण के तौर पे आ बा को कहता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई कभी आग लग जाती है तो उसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो आग लगने पर 10,000 का भुगतान करने का अनुबंध क्या कहलाएगा, समाश्रित अनुबंध। अर्थात जब तक उसके घर में आग नहीं लगेगी उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक वो उसको पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो यह था समाश्रित अनुबंध। समाश्रित अनुबंध के बाद अगला है बाजी युक्त अनुबंध। बाजी, बाजी शब्द आप लोग सब जानते हो, बाजी लगाना, शर्त लगाना, है ना? तो ऐसे अनुबंध जो किसी अनिश्चित घटना के घटने के आधार पर किए जाते हैं ना, जैसे शर्त, शर्त तो आप सभी जानते होंगे, शर्त लगाते हैं कि ये घटना होके रहेगा, है ना? जैसे अभी मैच चल रहा है तो मैच के बीच में क्या करते हैं, ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी करके कई बार शर्त लगाया जाता है। तो ऐसा कोई अनुबंध कि इस टीम की जीत होगी, है ना, ये कहा जा रहा है, तो ऐसा कोई शर्त या बाजू के, बाजी के अनुबंध जो करते हैं उसको बाजी युक्त अनुबंध कहा जाता है।
फिर लास्ट दिया है अगला कल्प अनुबंध। तो कल्प अनुबंध ऐसा अनुबंध होता है जो अनुबंध तो होता है लेकिन उसमें प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं होती है ना, मतलब ये अनुबंध किसी पक्षकार के द्वारा नहीं किए जाते बल्कि ये स्वमेव हो जाते हैं ना। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक दुकानदार अपना सामान किसी व्यक्ति के यहाँ भूल गया है, वो व्यक्ति उसका सामान उपयोग करने लगता है तो बदले में उस दुकानदार को व्यक्ति उस सामान की पूर्ति करेगा, है ना। यहाँ पर किसी के द्वारा न प्रस्ताव किया गया न ही स्वीकृति की गई, अर्थात ठहराव नहीं हुआ लेकिन अनुबंध हुआ, ठीक है, वस्तु वापस करने का अनुबंध हुआ, तो इसको कल्प अनुबंध कहेंगे। तो इस प्रकार से अनुबंध के 15 प्रकार दिए गए थे, अनुबंधों को 15 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग अनुबंध के बाद ठहराव और प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, है ना। और हमारे जो चैनल है शासकीय महाविद्यालय श्री खदान, उसके और वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए तो, और लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।